अल्लाह बहुत बस आखिरी पैगाम मुहर्रम ताजिया के हवाले से आपको सुना रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। तीन परोपगंडे इस महीने में होते हैं। पहला परोपगंडा यह है कि यह मातम का महीना है, दूसरा परोपगंडा यह है कि यह जुलूस का महीना है, और तीसरा परोपगंडा यह है कि इसमें निकाह करना गलत है। मैं तीनों परोपगंडे को खुलासा तीन मिनट में करने के लिए जा रहा हूँ, बहुत अच्छा जलसा है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल फरमाए। इस महीने में चार इतने बड़े बड़े निकाह हुए हैं कि उनसे बढ़कर के कोई निकाह धरती पर हो ही नहीं सकता। हजरत सफिया रजी अल्लाह अन्हा से निकाह हमारे नबी ने इसी महीने में किया, मुहर्रम के महीने में किया। दूसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं, फातिमा चहीती बेटी रसूलुल्लाह की आखिरी बेटी फातिमा का निकाह अली से हो रहा है, मुहर्रम का महीना। तीसरा निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं, आसमान पर दो निकाह हुए। पहला निकाह नबी का हुआ है हजरत ज़ैनब से आसमान पर, दूसरा निकाह हुआ है हजरत उस्मान का हजरत रुकैया से आसमान पर। आसमान पर हजरत उस्मान का निकाह रुकैया से हो रहा है मुहर्रम के महीने में, और नबी रुकैया को उस्मान के साथ रुखसत कर रहे हैं, मुहर्रम का महीना है। और आखिरी निकाह दिखाने के लिए जा रहा हूं, सैयदना कासिम का निकाह इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में किया है। ये चार इतने बड़े बड़े निकाह हैं जो मुहर्रम में हुए, इनसे बढ़कर के कोई निकाह नहीं है। हाथ उठा करके वादा कीजिए सारा काम पहले होगा निकाह बाद में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ले कुछ बूढ़े लोग भी हाथ उठा रहे, उनका कौन सा दूसरा निकाह का इरादा, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाए। दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं है, एक आवाज क्या है, खुशी के मौके से डीजे। शादी का मौका हो डीजे बजता है तो लोग कहते हैं कि क्या कीजिएगा, लड़का फड़का बजा रहा है, लड़का फड़का बजा रहा है। ये लड़का क्या बिन बाप का है, इसका कोई बाप नहीं है। खुशी के मौके से गाने की आवाज अल्लाह को पसंद है। दूसरी आवाज जो अल्लाह को पसंद नहीं, मुसीबत में मातम की आवाज, मातम ये अल्लाह को पसंद नहीं। दो आवाज अल्लाह को पसंद नहीं। ये जो ताजिया है, निशान है, इमाम बाड़ा है, ये कहां से आया जल्दी से मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ आप खुराफात से बच जाइए। मैं मसनदे रसूल पर गारंटी लेता हूँ अल्लाह आपके खानदान को बचा लेगा। अगर आप बह गए तो आपका खानदान तहस नहस हो जाएगा, अगर आपने अकल का नाखून ले लिया तो आपको खुद अल्लाह बचाएगा, आपके खानदान को महफूज फरमाएगा। ये आया कहां से, हिजरत के 352 साल के बाद मोइज़ुद्दौला नजब का बादशाह, उसने लोगों में ऐलान किया कि मेरी कुर्सी खतरे में है, हुसैन की ताजियत का सहारा लेना होगा, काली पट्टी बांध कर निकलो, दुकान बंद कर दो, जुलूस में शामिल हो जाओ, औरतों को चेहरा पीटते हुए निकालो। कुर्सी खतरे में पड़ गई, सियासत के लिए जुलूस निकला। 352 साल के बाद ये जुलूस निकला और हिंदुस्तान में कैसे आया आपको सुनकर हैरत होगी। तैमूर बादशाह हिंदुस्तान का बादशाह था, 1880 हिजरी में ये बगदाद जाता था, बीमार पड़ गया। हजरत हुसैन की कब्र की जियारत के लिए जाता था, बीमार पड़ गया। इनके वजीरों ने कहा कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उस कब्र को यहां मंगा लेते, इसलिए आप देखेंगे इमाम बाड़ा होता है। ये इमाम बाड़ा नहीं है, ईमान बिगाड़ा। आप इमाम बाड़ा देखेंगे, वो कब्र की कॉपी है जो 880 साल के बाद ईरान से बगदाद से मुंतकिल होकर के हिंदुस्तान में। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं। लखनऊ का आपने नाम सुना है, यहाँ शिया लोग रहते हैं, जुलूस निकालते हैं। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, अगर आप शिया हैं तो मैं आपको खुद इजाजत देता हूं जुलूस निकालने के लिए। अगर आप टनाटन सुन्नी हैं, टनाटन देवबंदी हैं, तो आपको मैं कभी इजाजत नहीं दे सकता। आप दुरंगी मत बनिए, आधा इधर आधा उधर मत जाइए, कन्या के भी मामू दूल्हा के भी मामू, आधा इधर आधा उधर आप रहिए। शिया है तो निकालिए, कौन मना करता, लेकिन सुन्नी है तो शिया क्यों बन रहे, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जुलूस निकल रहा था लखनऊ में, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह हयात से थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अरब के मेहमान मिलने के लिए आए, अचानक धमाका हुआ, ढोल की आवाज, भयानक आवाज, लोग घबरा गए, अरब के शेख घबरा गए कि हिंदू मुसलमान राइट तो नहीं हो गया।
बोला हुजूर आपको पता नहीं है जुलूस निकल रहा है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है, मातम का जुलूस निकल रहा है, ताजिया निकल रहा का इन्ना लिल्ला। इन बेवकूफों को आज खबर हुई है, 1300-1400 साल गुजर गए, इन बेवकूफों को आज खबर हुई है। इंशाल्लाह जनवरी में जश्न मनाएंगे, मुहर्रम में मातम, हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल सही जा रहा है, खैर माशाल्लाह डिस ब्रेक मारा है। ताजियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। गम मनाने का अजब ढंग ये इरशाद किया, रूहे इस्लाम को तैमूर ने बर्बाद किया। फिल तैमूर है ये कौले पयंबर तो नहीं, गम मना ने का ये गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। हम तुझे है तो फिर इतना तू जरा कर के दिखा, तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोलताशों से तेरे बाप की मैयत को उठा। फना के बाद भी मुझको सता रहा है कोई, निशान कब्र का मेरा मिटा निशान कब्र का। ए खुदा मुझको थोड़ी सी जिंदगी दे दे, उदास मेरे उदास मेरे, जनाजे से जा रहा है कोई, फना के बाद भी फरिश्ते अर्श से लाला के फूल बरसाए, शहीद नाज़िको शहीद नाज़िको दूल्हा बना रहा है कोई, फना के बाद भी।